नमस्कार मित्रों तो यहाँ पे आप पैकेट देख रहे हैं जिसमें हमारे पास 18 कैरेट का एक येलो शेड का रफ डायमंड स्टोन है इसका 45 फाइव परसेंटेज पॉलिशिंग है वो हमने कंप्लीट कर दी है इसकी ब्लॉकिंग की प्रोसेस है वो हमने कंप्लीट कर दी है अभी ये डायमंड है वो हम मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं अभी ये डायमंड है उसकी रफ डायमंड की वैल्यूएशन है सिक्सटी लैक्स रुपीज हमने सिक्सटी लैक्स रुपीज़ में ए रफ डायमंड स्टोन है वो परचेस किया है और इसका हम पॉलिशिंग अभी कर रहे हैं इसकी जो पॉलिशिंग है वो हम पीयर शेप में कर रहा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होंगे इसका शेप है वो पीयर शेप है जो हम देख रहे हैं इसमें जो ब्लॉकिंग होती है वो सिंगल ब्लॉकिंग हमारे पास आती है उसमें जो फेसेट है वो भैया हम जब फाइनलाइज करते हैं तब उसमें आगे की प्रोसेस होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ब्लॉकिंग है वो हमने थोड़ा सा कम्प्लीट कर दिया है अब आगे इसकी पॉलिशिंग की प्रोसेस है वो होने वाली है ये जो रफ डायमंड स्टोन है वो हमें काफ़ी सस्ते मिलते हैं लेकिन ये जब पॉलिशिंग होके हम मार्केट में लॉन्च करेंगे तब इसकी प्राइस वैल्यूएशन हमें काफ़ी ज़्यादा मिलती है क्योंकि इसमें रिस्क भी इतना बड़ा रहता है अगर ये डायमंड है वो फट जाता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर तरीके से या फिर हमें जो कलर चाहिए वैसा कलर इसमें से नहीं मिला तो इसकी प्राइस वैल्यूएशन आप सोच भी नहीं सकते उतनी कम चली जाती है अगर ये मैन्युफैक्चरिंग होता है और हमें जो कलर चाहिए हमें जो साइज चाहिए वैसा हमें मिलेगा तो इसकी प्राइस वैल्यूएशन आप सोच भी नहीं सकते उतनी ज़्यादा हमें मार्केट में मिलती है